बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जय मलिक फ्रॉम लार्ज स्टेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज वीडियो बनाने का मेरा मकसद, एक सवाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है कि अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्लो है और पाकिस्तान के हालात भी आपके सामने हैं, तो हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट जो है DH में करनी चाहिए या DH से बाहर करनी चाहिए। जितने ज़्यादा टैक्स लग चुके हैं, क्या इन्वेस्टमेंट करने का अभी मौका है या हम फंस जाएंगे या फिर क्या हालात बनेंगे। बेसिकली आने वाला टाइम अल्लाह ताला के हिसाब से बेहतर पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, हम वही बता सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम मेहनत करते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो मौका है DHA के अंदर, वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। आपका बजट कितना है और आप इन्वेस्टमेंट क्या करना चाह रहे हैं। कुछ हज़रात फाइल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ हज़रात प्रॉड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। DHA लाहौर के अंदर आप तकरीबन 26-27 लाख रुपये से लेके तकरीबन 45 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग फाइल्स हैं, कुछ प्लॉट्स हैं, लेकिन जो मेन इन्वेस्टमेंट है आपने सबसे पहले तो बजट बताना है, फिर उसके बाद, लेकिन मैं फिर भी रफली आपको बता दूंगा घर बैठे हुए ताकि आपको इजी हो सके हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हैं। इसमें फाइलों की सिचुएशन में देखें तो फाइलें जो हैं फेज 13 की बहुत ज़्यादा अच्छी रिजनेबल प्राइस पर आ चुकी हैं। कुछ हज़रात इसलिए फाइल का रिस्क ले रहे हैं कि ये 13 में जिस टाइम अनाउंसमेंट होगी इसका रेट ऊपर चल जाएगा, तो जो मैं भी रेकमेंड करता रहा हूँ कि आप फाइल में इन्वेस्टमेंट करें 13 में, उसके अंदर जब भी अनाउंसमेंट होगी तो इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट देकर चल जाएगी। लेकिन जो रेट आज का आ चुका है ये बहुत ही मुनासिब रेट आ चुका है। यही समझ लें कि आपको DHA के अंदर जो प्लॉट है वो फ्री मिल रहा है, तकरीबन 26 लाख रुपये का, 25-25.5 लाख रुपये का 5 महीने का प्लॉट है, फाइल है। और जिस टाइम अनाउंसमेंट होगी सिर्फ आपको कम से कम 1 साल से 1.5 साल वेट करना है। और मैं सारी चीज़ बताने से पहले एक चीज़ आपको वाजह कर दूँ, किसी ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई चीज़ भी करनी है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। मिनिमम आपको 1.5 से 2 साल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि अभी हालात ठीक होते होते थोड़ा सा ना टाइम लगेगा। मुझे जो अपने तौर के ऊपर जो मेरी कैलकुलेशन है, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आफ्टर इलेक्शन हालात बहुत ज़्यादा बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आप 1 साल कम से कम जहन में रखें। आप 13 में फाइल ले सकते हैं। फाइलों की तरफ हम आए तो 10 का इस टाइम रेट जो है बहुत ही मुनासिब आ चुका है। 10 का 5 महीने का रेट इस टाइम कोई 33-34 लाख रुपये का है। और ख़ास तौर पर जो एक इन्वेस्टमेंट बनती है जो लोगों को शायद नहीं इल्म उसके बारे में, कुछ हज़रात को इल्म है, फेज 10 की जो फाइल है कमर्शियल की 4 महीने की, वो बहुत ज़्यादा मुनासिब रेट पर आ चुकी है। वो तकरीबन 2.5 करोड़ में लॉन्च हुई थी फाइल, अभी जो रेट है उसका 1.68 करोड़ के अराउंड है। और वो 4 महीने का कमर्शियल आप किसी भी साइड में चले जाएँ, ख़ासतौर पर DHA के अंदर, लाहौर के अंदर, आपको कहीं पे भी इतने का कमर्शियल नहीं मिलेगा। ये मिनिमम 2.5 पर तो जाएगा, लेकिन लेने के बाद होल्ड करना ज़रूरी है। आप इसको अगर कमर्शियल ले लेते हैं, अगर आपका बजट है ये, तो आपको इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छे पैसे दे के जाएगा। रही बात बड़ी इन्वेस्टमेंट की, बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है इस टाइम प्लाजो की, जिसके अंदर रेंट आप खा सकते हैं, रेंट आप इंजॉय कर सकते हैं, उसके अंदर पीरियड बहुत अच्छा है बढ़ने का, उसके प्राइस बढ़ने का, लेकिन उसका अभी काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर अभी मार्केट में मौजूद नहीं है। छोटा इन्वेस्टर है, सेल परचेज हो रही है, लोग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा इन्वेस्टर इस टाइम जो 30 करोड़ लगा ले, 25 करोड़ का लगा ले, 20 करोड़ का लगा ले, उसकी जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा कम है। आप 9 प्रिज़म का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर इस टाइम 5 महीने का जो प्लॉट है तकरीबन 60-65 लाख से लेकर 90-95 लाख तक मिल जाता आपको। आपने ले के अगर 1.5 साल तक आप होल्ड करते हैं आपको इसके अंदर अच्छी रिटर्न मिल जाएगी। लेकिन इसमें सबसे अच्छी जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्राइस वाइज मैंने आपको बताया था, जो प्राइस इन्वेस्टमेंट है वो 2 कनाल का प्लॉट है। 2 कनाल का भी आपको तकरीबन 7.25 करोड़ से लेकर 8.5 करोड़ का प्लॉट मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन ये मेजर एरिया पे है। अगर आप फेज 6 से कंपैरिजन करेंगे, फेज 6 में मिनिमम आपको प्लॉट मिलेगा 12 करोड़ से लेकर तकरीबन 22 करोड़ रुपये तक का। अगर ये आप 8 करोड़ का प्लॉट लेते हैं, वक्त के साथ साथ जब यहाँ पर पोजेशन आ जाता है, पोजेशन तो आ चुका है, घर बनेंगे, कुछ वहाँ पे गहमा गहमी होगी, तो इंशाल्लाह ये आराम से आपका 10-12 करोड़ रुपये का हो जाएगा विद इन 2 ईयर्स या तकरीबन 1 साल या 1.5 साल के अंदर इंशाल्लाह ताला। लेकिन थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा आपको इन्वेस्टमेंट करके। फिर उसके बाद कनाल का जो है, इस टाइम फेज 7 के साथ कंपेरिजन करूँ, 6 से कंपेरिजन करूँ, तो फेज 9 प्रिज़म बहुत सस्ता है। फेज 7 जो है अब एक लिमिट पर आकर रुक गया है, वहाँ पर यही रेट रहेगा, गिरने के चांसेस कम है, लेकिन सेल परचेज होती रहेगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फेज 9 प्रिज़म है। फेज 9 प्रिज़म के अंदर 2.25 करोड़ रुपये से लेके 3 करोड़ रुपये का रेट है। जो प्लॉट 3.5 करोड़ रुपये का था वो तकरीबन 2.70-75-80 में मिल जाता है आपको, 3 करोड़ डिमांड करते हैं। जो 3 करोड़ रुपये का प्लॉट था वो तकरीबन आपको 2.60-2.65 का मिल जाता है, तकरीबन 40-45 लाख रुपये मार्केट नीचे आई है। ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो आप होल्ड कर सकते हैं। बाकी रही बात बड़े कमर्शियल के अंदर, उसमें भी इन्वेस्टमेंट का टाइम तो नहीं है, लेकिन आप उसके अंदर सिर्फ रेंट इन्जॉय कर सकते हैं। अब आपका जो बजट है आप उसके मुताबिक आप डिसाइड कर सकते हैं आपने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। और अगर आप
किसी भी और चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है हमारा, हमें एक कॉल जरूर करिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको प्रॉपर तरीके से अच्छा गाइड करूँ। शुक्रिया, अल्लाह।